हेलो दोस्तों, आज का जो वर्ड है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, स्मेल अवे। क्या लिखा हुआ है? स्मेल अवे। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फील दैट समथिंग इज रॉन्ग। जब आपको फील हो कुछ गड़बड़ है दया, है ना, तब हम इसका यूज करते हैं, स्मेल अवे। ये इसको हम फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस में एज अ फ्रेज यूज कर सकते हैं। और इसमें स्मेल यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है, स्मेल अलर्ट, यानी जब आपको नहीं होता कि घर में अगर आप चूहे की महक आए तो बोलते यार कुछ तो गड़बड़ है, चूहे की महक आ रही है ना। तो वो यहाँ पे मीनिंग है, लिटरल मीनिंग आप कह सकते हो, या आपका सिमिलर मीनिंग है जो हमारे में यूज होता है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, दाल में कुछ तो काला है, लाइक दैट। ठीक है, क्या है? हाउ कम द फ्रंट डोर इज ओपन। ठीक है, कैसे फ्रंट डोर जो था वो ओपन रह गया? डिडंट यू क्लोज इट बिफोर वी वेंट शॉपिंग। क्या तुमने क्लोज नहीं किया था शॉपिंग से जाने से पहले, यानी मार्केट से जाने से पहले, खरीदारी करने से पहले, क्या तुमने उसे बंद नहीं किया था? या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कहा कि ये डोर ओपन कैसे रह गया। ठीक है, आई एम श्योर आई डिड, आई कांट अंडरस्टैंड इट। जो सेकंड वाला है जिससे क्वेश्चन पूछा गया, उसने बोला कि मैं तो श्योर हूँ, मैंने तो किया था। ठीक है, आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। फ्रैंकली आई स्मेल राइट। तब दूसरा वाला पहले वाले को बोलता है, अगर फ्रैंकली देखो यानी कि सच में देखो तो आई स्मेल राइट, मुझे कुछ अच्छा नहीं सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है, मी टू। और जो पहला वाला वही बोल रहा है, मी टू, मैं भी, आई एम कन्विंस्ड दैट समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर। मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं पक्का हूँ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना, दाल में कुछ तो काला है। वी वुड बेटर कॉल द पुलिस। ठीक है, हम अच्छा होगा कि हम पुलिस को बुलाएं। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन है, उसमें ये सेंटेंस में एक फ्रेज यूज हो चुका है। वैसे आप भी यूज कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन बना सकते हो, इसमें आप स्मेल और राइट यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो कि माई मदर वॉज वॉज क्लीनिंग माई हाउस। ठीक है, बट सडनली शी स्मेल अ रैट एंड एंड कॉल्ड मी दैट वॉट इज द वाइन इज डूइंग इन योर रूम। ठीक है, मेरी माँ घर साफ कर रही थी पर उन्हें कुछ गलत लगा, या कुछ मतलब कुछ कुछ गड़बड़ लगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया, पूछा या कहा कह सकते हो कि ये शराब की बोतल क्या कर रही है तुम्हारे रूम में। ये पूरा कॉन्वर्सेशन है। तो जब तक आप इसको एज अ कॉन्वर्सेशन यूज नहीं करोगे, जब तक आप इसको अच्छे तरीके से, इसके बाद एक वर्ड मीनिंग याद करने से कुछ नहीं होता, यूज करिए इसको एज अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, हाँ, स्मेल अलर्ट आप प्रोफेशनल, जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां यूज मत कर लीजिएगा, वहां आप वर्बल यूज कर सकते हो। ठीक है, कि पॉलिटिक्स हो रही है तब तक आपने सुना आई स्मेल अलर्ट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है मेरा प्रमोशन रुकेगा इस बार, ऐसे। लेकिन रिटर्न इसको इसको आप ये वर्ड को आप थोड़ा नेग्लेक्ट करिएगा। अब स्मेल अलर्ट सही नहीं लगता है अगर आप मेल पे या कहीं पे आप लेटर लिख रहे हो तो। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करिएगा जितना हो सके उतना वर्बल यूज करने का। ठीक है, रिटर्न भी यूज कर सकते हैं लेकिन अपने दोस्तों के साथ। ठीक, और एग्जाम्पल आप अपने कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और उसको हम देखेंगे, समझेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। ठीक, चलिए, वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।